नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। स्थानीय निकाय कोटे से बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव प्रचार का काम शनिवार की शाम संपन्न हो गया। इसके बाद अब सूबे के सभी प्रमुख दलों का ध्यान बिहार विधानसभा की एकलौती बोचहा सीट पर टिक गई है। यहां होने जा रहे उपचुनाव को लेकर गहमा गहमी बढ़ गई है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार और तेज हो जाएगा। कई बड़े नेताओं व स्टार प्रचारकों की सभाएं हो सकती हैं। खासकर भाजपा ने जिस स्तर पर यहां चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि आने वाले सप्ताह में चुनावी गहमा गहमी के केंद्र में मुजफ्फरपुर ही रहने वाला है। बोचहा उपचुनाव से पहले बिहार की राजनीतिक स्थिति बदल गई। राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस उपचुनाव के बाद भी सूबे की राजनीति के समीकरण बदले हुए दिखेंगे। कम से कम वर्तमान वाली स्थिति तो नहीं ही रहेगी। उनका दावा है कि इस चुनाव के परिणाम से नेताओं के कद तय किए जाएंगे। बोचहा विधानसभा उपचुनाव 2022 को लेकर जारी चर्चा व विश्लेषण के बीच अब एक और बात पर बहस तेज होती जा रही है कि इस चुनाव का ट्रिगर पॉइंट क्या होगा या कौन होगा। तात्पर्य यह है कि क्या कोई नेता, अभिनेता या फिर स्टार प्रचारक इस चुनाव को एक खास दिशा में मोड़ देगा या फिर कोई और फैक्टर। क्षेत्र में जारी चर्चाओं पर गौर करने पर एक बात तो साफ दिख रही है कि भले ही सभी दल व राजनीतिक पंडित जातियों के वोट बैंक के आधार को मानकर विश्लेषण कर रहे हों, लेकिन इसका ट्रिगर पॉइंट बिहार MLC चुनाव साबित होने वाला है। खासकर MLC की मुजफ्फरपुर सीट के परिणाम, MLC चुनाव परिणाम बोचहा चुनाव से पहले ही घोषित कर दिया जाएगा। उसमें किस दल के समर्थित प्रत्याशी की जीत होगी, यह बोचहा चुनाव की दिशा को तय कर सकता है। यदि महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में परिणाम गया तो उसका एक अलग नैरेटिव सामने आएगा, क्योंकि राजद ने जिस जाति के प्रत्याशी को MLC चुनाव में उतारा है वह बोचहा में काफी प्रभावकारी है। परिणाम NDA के पक्ष में जाने की स्थिति में माना जा रहा है कि स्विंग वोटर बोचहा के NDA उम्मीदवार के पक्ष में जा सकते हैं। यदि यह विश्लेषण काम करता है तो निश्चय ही बोचहा का बड़ा खिलाड़ी कोई नेता या स्टार प्रचारक नहीं होकर MLC चुनाव का परिणाम होगा।